बहुत टेस्टी खाना बनाया। किसने बनाया? अब्बू, दादी ने बनाया। वाकई अम्मी, बहुत मजे का खाना बनाया। आपने बनाया? हाँ बेटा, मैंने बनाया है। सालिया, खाना मजे का है ना? सालिया, सालिया, हाँ? क्या हो गया सालिया तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं, आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ पानी। मम्मा, मैं ले आऊँ? नहीं, मैं ला रही हूँ ना पानी। हाँ, बेटा क्या सोच रहे हो? अम्मी, क्या हो गया है सालिया को? इस तरह हर वक्त उखड़ी उखड़ी रहती है। आपसे कुछ कहा है उसने क्या? नहीं बेटा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। सालिया, 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 होश में आओ। सालिया, अम्मी क्या हो गया इसको? क्या हुआ बेटा? सालिया, सालिया, होश में आओ। पानी डालो इस पर। सालिया, होश में आओ। सालिया, अम्मी क्या हो गया इसको? सालिया, होश में आओ। डॉक्टर को फोन कर लेंगे। सालिया, होश में आओ। ये सालिया को बैठे बिठाए क्या हो गया था? बैठे बिठाए हुआ था या कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सालिहा का हाल ये हो गया? कहानी थोड़ी सी पेचीदा है, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहे तो सुलझ के सामने आ जाएगी। सब ठीक था, सालिहा को कोई परेशानी नहीं थी, बस अचानक कुछ ख्यालात उसको सताने लगे। अब ना वो किसी को कुछ बता पा रही थी, ना किसी की समझ में आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। बेटा अरीबा। जी पापा। तुम थक गई होगी बेटा, जाओ आराम करो। नहीं पापा, मैं नहीं थकी। बेटा मैं आ गया हूँ ना मामा का ख्याल रखने। अब जाओ, शाबाश, आराम करो, ट्यूशन पे भी जाना है। जी पापा। चलो, गुड गर्ल। क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं हुआ। अरे अरे अरे, लेटी रहो, आराम करो, आराम करो, आराम करो। नहीं, मुझे क्या हुआ है? अरे आप क्यों कहा आपने कि कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो? मुझे बताएं क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बिल्कुल ठीक हो तुम। कुछ नहीं हुआ तो ये दवाएं यहाँ क्या कर रही हैं? सालिया, तुम किचन में बेहोश हो गई थी। अरे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अच्छा सालिया, मुझे एक बात बताओ, तुम किसी बात पे परेशान हो क्या? नहीं तो फिर क्या हो गया तुम्हें? कुछ दिनों से इस तरह अजीब अजीब रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? फहद, मुझे नहीं पता, मुझे डर लगता है, मुझे अजीब अजीब सी चीजें नजर आती हैं, मुझे कुछ दिखाई देता है, मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम आराम से धक लगा के बैठो, पीछे हो जाओ, आराम से बैठ जाओ। तुम आराम करो, हम कल इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? Just relax. सालेहा को वाकई कुछ हो गया था। अब क्या हुआ था ये शायद सालेहा भी नहीं जानती थी या शायद किसी को बताना नहीं चाहती थी। फहद और उसकी माँ दोनों परेशान थे। कौन है? आ जाओ। आप सोने की तैयारी करिए अम्मी, चलो फिर कल बात करते हैं। अरे नहीं बेटा, परेशान हो तो माँ कैसे चैन से सो सकती है? आओ बैठो। कहो क्या कहना था? अम्मी आप सालिया की हालत देख रही हैं कुछ दिनों से। हाँ बेटा। क्या हो गया अम्मी सालिया को? अब मैं क्या कहूँ, काम करती है, बाहर जाती है, 100 लोगों की बुरी नज़र पड़ती है, लग गई होगी किसी की नज़र। और वैसे भी बुरी नज़रों की कमी तो नहीं है। अम्मी ऐसी भी क्या नज़र कि बंदा बैठे बैठे कहीं खो जाए या फिर बेहोश ही हो जाए। कुछ तो हुआ ही होगा ना बेटा जो उसको ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल में तो उसकी नज़र ही उतारना चाहिए। नहीं अम्मी, मुझे लगता है कि उसको कोई कमज़ोरी हो गई है। अब देखिए ना, दफ्तर में भी सारा दिन काम करती है, घर के भी सारे काम करती है, बेचारी थक जाती होगी। कोई थकावट नहीं बेटा, अपनी गाड़ी से जाती है, अपनी गाड़ी से आती है। और औरतें भी तो हैं जो बसों में जा जाकर काम करती हैं। मान लो नजर ही है। छोड़े ना अम्मी, मैं अपनी परेशानी लेके आपके पास आई हूँ और आप मुझे पता नहीं किन बातों में लगा रही हैं। बेटा मुझे तो इस मसले का जो हल नजर आ रहा था मैंने बता दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। या अल्लाह तू ही रहम करना। वहम जब चलता है तो रुकता नहीं है, आग की तरह फैल जाता है। अब ये फहद की माँ का वहम था या यकीन कि सालेहा को नजर लग गई है और उनकी इस बात को तकवीयत मिली बानो की बात से। आप तो आती नहीं है आजकल, मैं ही आऊं तो आऊं। निकलना ही नहीं होता घर के कामों से। क्यों, कोई साजिश कर रही हो हमारे खिलाफ? साजिश क्या करूंगी तुम्हारे खिलाफ। तबीयत ठीक है सालिया की? आज दफ्तर नहीं गई? हाँ वो बुखार है हल्का फुल्का। अल्लाह खैर करे, सर्दी हो रही है, एहतियात करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ बस वो काम ही इतना है उसके पास के। अच्छा अच्छा। क्या हुआ बहन, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खैरियत ही है। नहीं नहीं कुछ तो है। हाँ है तो, मगर देखो तुम किसी को बताना नहीं। हाँ भला मैं क्यों बताऊंगी? मुझे लगता है सालिया को नज़र लग गई है, मगर फहद मानता ही नहीं है। वो कहाँ मानेगा, आज के लड़के लड़कियाँ कहाँ मानते हैं ये बातें। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। अगर मैंने नज़र के लिए कुछ किया तो फहद बोलेगा। तुम उसको छोड़ो, बहू को एतमाद में लो और करो जो करना है। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? वो अपनी हुमा है ना, उसको भी नज़र का मसला था, उसने मासूमा को बुलाया तो ठीक हो गई। पर बहन साले तो बैठे बिठाए गुम हो जाती है, डर जाती है। हाँ तो उसको भी यही था। कहो तो कल बुला लूँ उसको। हाँ हाँ बुला लो, मगर सुबह के टाइम में बुलाना। अगर फहद को पता चल गया तो वो तो गज़ब ढा देगा। तुम फिक्र ना करो, खामखा में परेशान हो रही थी, पहले बता दिया होता। बस बहन हिम्मत ही नहीं हुई, खुदा ही तुम्हें इसका अजर देगा। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था, अम्मी बार बार आके मुझसे पूछ रही थी बेटा वापस कब आओगे। मुझे अजीब सा लग रहा था। जा रहे हैं बेटा? जी अम्मी। अच्छा अच्छा खैर से जाओ, नाश्ता लगा दिया है। और बेटा वापस कब आओगे? जिस टाइम रोज़ वापस आता हूँ। क्यों जल्दी आ जाऊँ? नहीं 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 वो काम जरूरी है ना बेटा। किसका काम? काम तुम्हारा काम, तुम्हारा काम। अच्छा अच्छा बेटा, घर जल्दी आना हो तो बता देना, हो सकता है हम लोग घर पर ना हों। अम्मी, सालिया की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसे प्लीज़ अकेला मत छोड़िएगा। अरे नहीं नहीं, तुम आराम से आना, मैं हूँ ना इसके पास, भला मैं क्यों जाऊँगी इसको छोड़कर। अम्मी, अभी तो आप बोल रही थी कि मैं घर पे शायद मौजूद ना हूँ, और अब बोल रही हैं कि मैं घर पे मौजूद रहूँगी, मतलब कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज़। वो बेटा काम ज़्यादा है ना, थक गई हूँ शायद, इस वजह से पता नहीं मैं क्या क्या कह रही हूँ। अच्छा खैर, मुझे देर हो रही है अम्मी, मैं जा रहा हूँ, नाश्ता वहीं कर, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फिर मासूमा भी आ गई और सालेहा को ठीक करने की तैयारियां शुरू हो गईं। क्या इससे सालेहा ठीक हो जाएगी? आइए आइए। बेटा ये बानू हैं और ये इनके जानने वाली हैं। जो 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 भी है, इनसे के जाएं यहाँ से, इनसे के जाएं, जाएं इनसे के जाएं यहाँ से। इसको पकड़ो जरा। नहीं 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 नहीं, छोड़े छोड़े, मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोड़े छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं हुआ, छोड़ो मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोड़े छोड़ दे, छोड़े मुझे, छोड़े छोड़ दो मुझे, छोड़ो कुछ नहीं हुआ है मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं हुआ है, छोड़ दो, मैं क्या क्यों छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो। आप लोग बैठे, मैं चाय बना लेती हूँ आपके लिए। बस इसका ख्याल रखना, बाहर ना जाए फिलहाल, बुरी नजर का साया है। मैं तो पहले ही कहती थी कि कुछ ना कुछ जरूर है, वरना ऐसे ही तो ये सब कुछ नहीं होता ना। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। कोई ज्यादा परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, जैसा मैं कहती हूँ वैसे करते जाओ तो जल्द ख़त्म हो जाएगा असर। मैं कुछ चीज़ें बानों के हाथ भिजवा दूंगी और उनका तरीक़ा इस्तेमाल भी बता दूंगी। खुदा खैर करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं नहीं, ये मैं नहीं लूँगी, बानों के हाथ भिजवा दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाम को घर आया तो मैंने सालिया से बात की। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, वो ऑफिस भी नहीं जा रही थी। हेलो, थक गए यार। सालिया, पता है तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि कब तक ज्वाइन करोगी। मैंने भी कह दिया कि भाई वो आजकल घर में टाइम दे रही है। ठीक किया ना मैंने। पता है मैंने गाड़ी भी मैंने नहीं गाड़ी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया सालिया? गाड़ी नहीं, फहद गाड़ी नहीं। अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने गाड़ी का बोनेट और बम्पर बनवा दिया। नहीं गाड़ी नहीं, कुछ नहीं हुआ था। नहीं गाड़ी नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं हुआ था? बताओ मुझे। नहीं कुछ नहीं हुआ था, आप जाए यहाँ से, आप जाए। सालिया कोई आवाजें नहीं आ रही है। सालिया क्या बातें कर रही हो तुम? जाए आप यहाँ से। बंद करो ये आवाज़ें, बंद करो। जाए आप। अमित देखिए, पता नहीं क्या हो गया इसको। अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है। पापा, सालिहा की हालत सब घर वालों के लिए परेशान कुन और तश्वीशनाक हो गई थी। फहद किसी सूरत ये बात मानने को तैयार न था कि सालिहा को नज़र लग गई है, और अपनी माँ के टोटकों पे भी उसका यकीन कुछ कम ही था। फहद की माँ फहद की गैर मौजूदगी में जो कुछ कर रही थी, वो जब फहद के सामने हुआ तो हंगामा तो खड़ा होना ही था। बेटा इनकी बात सुनो, ये हमारे लिए ही तो आई है और ये तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगी, ठीक है? क्या होता है? घबराओ नहीं बेटा, इनकी बात का जवाब दो। क्या होता है? वो मुझे हाँ बताओ, घबराओ नहीं। वो मुझे आवाज़ें आती हैं। कैसी आवाज़ें? वो ब्रेक की, चीखने की। किसकी चीख है? कोई तुम्हें डराता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो मर गया होगा? कौन? वो जो चीखता है, वो मरा तो नहीं होगा ना? नहीं, वो चीखता है, वो मरा तो नहीं होगा। नहीं मरा नहीं, वो मरा तो नहीं होगा। वो मरा तो नहीं होगा। कोई तुमसे कुछ कहता है? नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं कहता है। मुझे जाओ तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ नहीं कहना है। नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जाओ तुम, जाओ यहाँ से। साला बेटा एक बार मुझे सब बता दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ। मुझे कुछ नहीं बताना है, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है। आप लोग जाएं यहाँ से, जाएं आप लोग, जाएं। मुझे कुछ नहीं बताना है, कुछ नहीं बता इनसे कि जाएं यहाँ से, जाएं। क्या हो रहा है अम्मी? बेटा ये मासूमा है, साले के लिए तो बुलाया था। अम्मी जब मैंने मना किया था कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है या ये सब कुछ नहीं होगा, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही हैं? आप प्लीज जाएं यहाँ से, प्लीज। नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है फहद, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सालिया, कम से कम मुझे तो बता दो कि आखिर बात क्या है। तुम तो इस तरह सबको परेशान कर रही हो यार। देखो अम्मी को जो समझ में आएगा वो वही करेंगी ना। हम सब लोग परेशान हो गए यार, कब तक चलेगा इस तरह। तुम्हें किस किस्म की आवाजें आती है बताओ मुझे। फोन की, ब्रेक की, वो लड़का चीखता है, वो जिंदा होगा ना, वो जिंदा होगा ना फहद, वो जिंदा होगा ना। सालिया, उस दिन तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था या नहीं बताओ मुझे। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया, एक्सीडेंट नहीं हुआ था, एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सालिया, इस तरह तो तुम हम सबको परेशान कर दोगे। तुमने कभी अरीबा के बारे में सोचा? तुम्हें अंदाजा है कि अरीबा के दिमाग पे क्या गुजर रही है? उसकी टीचर की कॉल आई थी मेरे पास, वो स्कूल में सबसे लड़ना शुरू हो गई है, चिड़चिड़ी हो गई है वो। मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से बात की और कल हम दोनों उसके पास जाएंगे, ठीक है? मगर फहद, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगी ना। बस कर दो सालिया, उस साइकोलॉजिस्ट से मिलने में कोई बुराई नहीं और हम वहां कल जा रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता था कि सालिया को कोई बात है जो तंग कर रही है और वो किसी को बता भी नहीं रही थी। अगले दिन मैं उसे माहिर नफ्सियात के पास ले गया। जी सालिया, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। चाय पियेंगी आप? नहीं। डॉक्टर साहब मैं एक कॉल करके आता हूँ। नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका हमदर्द हूँ, आप जाइए फहद साहब। अब मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम डॉक्टर साहब से बात करो। जी सालिया, फहद बता रहे थे कि आपको कुछ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। हाँ। आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर आपकी गाड़ी आगे से इतनी ख़राब कैसे हो गई थी? मैंने नहीं कहा था उसे कि मेरी गाड़ी के आगे आए। कौन सामने आ गया था सालिया? वो लड़का। ओके, रिलैक्स सालिया, पानी पीजिए। अब बताइए मुझे कि उस रात क्या हुआ था। नहीं, आप पहले वादा करें कि आप किसी को बताएंगे नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताइए मुझे सही सही कि उस रात क्या हुआ था। उस रात मैं दफ्तर से घर आने के लिए निकली तो फहद की कॉल आ रही थी बार बार। सालिया, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। आपको पता है ना मैं ड्राइव करते हुए फोन नहीं सुनती। देखो हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इतनी देर हो गई, जल्दी आ जाओ यार। ओके, आ रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। जिंदा होगा ना इंशाल्लाह। आप पता करें प्लीज, वो जिंदा होगा ना। मैं पता कराता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं चेक कराता हूँ। अच्छा ये बताइए कि उस रात और कुछ हुआ था? नहीं, और कुछ नहीं हुआ था। फहद साहब जरा अंदर आइएगा। सालेहा से अनजाने में एक हादसा हो गया था। वो कौन था और उसका क्या बना ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये हादसा सालेहा और फहद के घर का सुकून गारत कर गया। कुछ दिन तक तो सालेहा ये बात अंदर ही अंदर पालती रही, लेकिन एहसास से जुर्म इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। उस रात जब सालेहा घर वापस आई तो बहुत घबराई हुई थी। पापा? हाँ बेटा। मामा कब आएंगी? बेटा तुम्हारी मामा रास्ते में, बस पहुंचने वाली होंगी। और तुम तो जानती हो ना कि ड्राइव करते हुए तुम्हारी मम्मी बिल्कुल भी फोन नहीं उठाती। बस आप, मुझे नहीं जाना डिनर पे। अरे बेटा इस तरह नाराज थोड़ी होते हैं, बस तुम्हारी मामा आने ही वाली है। अच्छा एक काम करेंगे, अब वापसी में ना तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? ठीक है। सालिया कहाँ रह गई थी तुम? सालिया बेटा यहीं बैठो, मैं तुम्हारे मामा को देख के आया। सालिया सालिया इतनी देर कर दी तुमने, अरीबा कब से इंतजार कर रही है। डिनर पे जाना था हम लोगों ने शायद। अरे क्या हो गया सालिया, क्या हो गया? घबराई भी क्यों लग रही हो तुम? नहीं। क्या बात है बताओ मुझे, इतनी घबराई भी क्यों तुम? हाँ? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप जाएं, मैं ठीक हूँ। काम डाउन ओके? कहा ना कुछ नहीं हुआ, जाएं आप यहाँ से जाएं। बैठ जाओ नीचे। काम डाउन ओके? So you'll just work us to death? We'll try. I'm going out. Out? Out where? Outside. बेटा अरीबा, तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं है। It's okay, Luke. तो डिनर पे कल चले जाएंगे, ठीक है? You're not dead? I'm going to Alaska. I'm going to Tacoma. What about you? He really is dead. All right. नहीं, नहीं, नहीं. 3 दिन तक सालिया ना किसी से बात कर रही थी ना कुछ खा रही थी। फिर अम्मी ने अपने टोटके आजमाना शुरू कर दिए, मगर मेरा ऐसी बातों पे यकीन नहीं था। एक दिन मुझे अमजद साहब ने अपने क्लिनिक बुलाया। देखिए फहद साहब, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप दोनों के फ़ायदे के लिए है। सालिहा ने मुझे सब कुछ इस शर्त पे बताया था कि मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन उसकी सेहतयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि मैं आपसे सारी बातें शेयर करूं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, प्लीज़ बताइए। उस रात सालेहा से एक एक्सीडेंट हुआ था, किसी मोटरसाइकिल वाले का। यकीनन लड़का ही होगा जैसा कि उसने मुझे बताया, और वो उसे वहीं छोड़ आई। और यही बात शायद उसके दिल में अटक गई है। उसको लगता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर शायद उस वक्त वो पैनिक कर गई और वहाँ से चली आई। और अब यही गिल्ट उसको अंदर ही अंदर सता रही है कि पता नहीं उस लड़के का क्या हुआ होगा। जब तक सालेहा को उस लड़के की खैरियत के बारे में पता नहीं चल जाता वो इस कैफियत से बाहर नहीं आ पाएगी, या शायद बहुत मुश्किल से आ पाएगी। डॉक्टर साहब अब हमें क्या करना होगा? हमें उस गिल्ट को ख़त्म करना होगा। जो एहसास जुर्म उसके अंदर पल रहा है हमें उसे बाहर निकालना होगा। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये होगा कैसे? आप एक काम कीजिए, उस रात जहाँ एक्सीडेंट हुआ था आप उसी जगह पे जाइए और वहाँ के आसपास के हस्पतालों में पता कीजिए कि आया कोई लड़का उस दिन एक्सीडेंट होके वहाँ आया था, और अगर आया था तो वो कहाँ रहता है। मेरा ख्याल है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी हस्पताल से मिल जानी चाहिए। डॉक्टर साहब अगर वो लड़का ज़िंदा है भी और हमें मिल भी जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होगा उससे? अगर वो लड़का सालिहा को बता दे कि वो खैरियत से है तो शायद वो उस कैफियत से बाहर निकल सके। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करता हूँ कि वो लड़का हमें मिल जाए। ओके फहद साहब, सालिया का ख्याल रखिएगा। ओके ठीक है। मैंने अगले ही दिन आसपास के हॉस्पिटल से पूछा। एक जगह से कंफर्म हुआ कि जाहिद नामी एक लड़का एडमिट हुआ था हफ्ते के लिए। उसकी टांग टूट गई थी और कुछ चोटें भी आई थी। मैं उसका पता लेके उसके घर जा पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर जाहिद साहब यहीं रहते हैं? जी मैं ही जाहिद हूँ। अच्छा सर, मुझे आपसे ये मालूम करना था कि पिछले दिनों में आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है? जी, मगर आप कौन? सर एक्चुअली हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर, ताकि उन हादसों के पीछे जो वजूहात है उन्हें मालूम कर सकें। तो पूछें, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर आपका एक्सीडेंट दिन में हुआ या रात में हुआ था? जी रात को। अच्छा सर, आपके ख्याल में गलती किसकी थी? गाड़ी वाले की। मैं तो सीधा सीधा आ रहा था कि अचानक उसने गाड़ी मोड़ के मेरी बाइक में मार दी। मैं क्या करता, दोनों ही स्पीड में थे। सर गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था, कोई मर्द था या औरत? ये मुझे याद नहीं, मैं उसको देख नहीं सका। अच्छा अच्छा जाहिद साहब, आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया था? कोई गाड़ी वाला था, आधे घंटे बाद पहुंचा था मैं हॉस्पिटल। राइट सर, क्या वही गाड़ी वाला लेके गया था या गई थी? नहीं नहीं, कोई और था। उस जालिम ने तो शायद गाड़ी रोकी भी ना हो। अच्छा अच्छा सर, अगर वो बंदा जो ड्राइव कर रहा था आपके सामने आ जाए तो आप किस तरह रिएक्ट करेंगे? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक तो मेरी टांग टूट गई, ऊपर से मेरी नौकरी भी चली गई। मेरी तो सारी जिंदगी तबाह कर दी ना, अल्लाह करे वो भी सारी जिंदगी चैन से ना बैठे। सर हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब आपकी टांग कैसी है? अभी एक हफ्ते पहले ही खुला है प्लास्टर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। जाहिद ने तो अपने गुनहगार को माफ करने से इनकार कर दिया, तो सालिहा के दुख का मुदावा कैसे होगा? क्या पछतावा उसकी जान छोड़ देगा? इनका जवाब थोड़ी देर में। पहले ये देखिए कि जब फहद जाहिद से मिलके घर वापस आया तो क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम बेटा अरीबा, अपने कमरे में जाओ। शाबाश। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी सालिया? अब अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। फहद, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। उस रात मुझसे एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा तो वो गाड़ी इसीलिए? हाँ, मैंने ये बात आपसे छुपाई। आप नहीं, मैंने आपसे छुपाई नहीं, मैं बता नहीं पा रही थी फहद आपको, पर मैंने अमजद साहब को सब बता दिया, सब कुछ बता दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिल से एक बोझ उतरा हो। पर फहद, मेरे दिल को सुकून फिर भी नहीं मिला। न जाने उस लड़के का क्या हुआ होगा। कौन से लड़के का? वही जिसका एक्सीडेंट हुआ था मेरी गाड़ी से। मैं उसको हॉस्पिटल भी लेकर नहीं गई थी, ऐसे ही छोड़कर आ गई थी। अगर खुदा न खास्ता। इंशाल्लाह वो लड़का सही होगा, तुम परेशान मत हो, हम उस लड़के को ढूंढ लेंगे। मैं अमजद साहब से मिला और उनको जाहिद से मुलाकात के बारे में बताया। मेरा नहीं ख्याल कि हमें जाहिद को बताना चाहिए कि उसकी टक्कर सालिया की गाड़ी से हुई थी, लेकिन ये शुक्र है कि अब वो बेहतर है। जी डॉक्टर साहब, वो बहुत गुस्से में था और मुझे नहीं लगता कि वो सालिया के सामने आके उसको माफ़ करेगा। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रहा था कि इस एक्सीडेंट के बाद उसकी नौकरी चली गई है। कुछ सोचते हैं। देखिए फहद, सालिया ने जाहिद को देखा तो है नहीं और ना ही वो उसकी शक्ल पहचानती है। अगर डॉक्टर साहब अगर उसने देखा हो तो? मेरी उससे बात हुई थी, वो उस वक्त इतनी घबराई हुई और इतनी डरी हुई थी कि उसको शक्ल याद ही नहीं होगी, और अगर उसे शक्ल याद होगी भी तो फिर? देखिए फहद साहब, अगर हम किसी को भी जाहिद बना के यहाँ बैठा दें और सालिया को ये यकीन दिलाएं कि यही जाहिद है और अब ये बेहतर कंडीशन में है, तो शायद वो उस जहनी कैफियत से बाहर आ पाएगी कि उसने किसी की जान ली है। मगर डॉक्टर साहब ये तो झूठ हो गया ना। देखिए फहद साहब, किसी को ज़िंदगी भर की जहनी कोफ से निकालने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता अगर आप जाहिद की नौकरी का कोई बंदोबस्त कर सकते हैं या उसकी नौकरी के लिए कुछ कर सकते हैं तो आई थिंक कि ऐसा करने में कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इस बारे में सोचता हूँ। फहद को एक झूठ बोलना था, उसको एक सवाल का सामना था कि क्या अपनी बीवी को जहनी कश्मकश से निकालने के लिए झूठ बोला जा सकता है या नहीं, और आखिरकार उसने वो फैसला कर डाला। बेटा क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी। क्या सोच रहे हो? सोच रहा था लेकिन अब नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। मैंने फैसला कर लिया था, अमजद साहब को बता दिया था मैंने। अगले दिन मैं सालिया को उनके पास लेके गया। जी सालिया, बताइए अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं ना? जी डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे दिल में एक बोझ सा है अभी भी। अच्छा ये बताएं कि क्या आपने उस लड़के की शक्ल देखी थी? नहीं, मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई थी। अच्छा, अगर आपको पता चले कि वो जिंदा है तो मुझे सुकून मिलेगा कि मैंने गलती की मगर उसकी जान बच गई। अच्छा, अगर मैं उसको यहाँ बुलाऊं और आपके साथ बिठाऊं तो आपको कैसा महसूस होगा? मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ जी, ज़रा जाहिद को भेजिएगा अंदर। आओ आओ जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। इनको जानते हो? नहीं। ये वो लड़का है जिससे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और ये अब बिल्कुल ठीक है। मुझे माफ कर दो प्लीज, जो कुछ हुआ वो एक हादसा था, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। कोई बात नहीं, बस दुख मुझे इस बात का था कि मुझे अब हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आपको माफ़ किया। सालिया, अब तो तुम्हारे दिल पे कोई बोझ नहीं है ना? हमने झूठ ज़रूर बोला मगर सालिया की मुश्किल आसान हो गई। मैंने कुछ अरसे कोशिश करके जाहिद की नौकरी भी लगवा दी मगर उसको ये पता नहीं था कि नौकरी मैंने लगवाई है। खुदा हमें माफ़ करे। इंसान खता का पुतला है, गलती हो जाती है मगर गलती को सुधारने की बजाय उसको छुपा देना उससे बड़ी गलती है। गलती को मानना और सुधारना सीखिए, वरना पछतावा जान नहीं छोड़ता और कभी कभी ऐसा भी होता है।